हेलो क्लास एट बेटा, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.2। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूँगा जब क्वेश्चन कराऊँगा, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस वीडियो को 3-4 टाइम जरूर देखिएगा ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, क्वेश्चन का हर एक स्टेप आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर वन को हम रीडिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। एक फिगर आपको ये दी गई है, एक फिगर आपको ये दी गई है। इसमें आपके पास 125 125 और एक्स, यहाँ पर तीन एंगल गिवन है। इसी तरह इस वाली बी फिगर में एक्स 60 70 और ये जो साइन लगे हुए हैं ये 90 90 के हैं, तो ये एंगल दोनों 90 90 के गिवन हैं, ठीक है। यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोनों ही फिगर से, ठीक है। तो इनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन, जैसे कि मैंने फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर दी है, आपके पास यहाँ पर दिख रहा है ये हमारा एक ट्रायंगल है और इसके बाहर हमने इस साइड को क्या किया हुआ है, इंक्रीज़ किया हुआ है। इसी तरह इस ट्रायंगल की इस साइड को इंक्रीज़ कर दिया और थर्ड साइड ये वाली इसको भी इंक्रीज़ कर दिया, तो हमारे पास ये जो एंगल बनता है, ठीक है, इन एंगल्स को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये जो एंगल हमारे बने हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ये सभी एंगल क्या है, एक्सटीरियर हैं, ठीक है। अब एक आप कॉमन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, कोई भी आपका पॉलीगन है, ठीक है, पॉलीगन थ्री साइड से मिनिमम थ्री साइड का होता है, थ्री साइड स्ट्रेट लाइन, थ्री स्ट्रेट लाइन जब ज्वाइन करेंगी एक क्लोज फिगर बनेगी, वो आपका पॉलीगन होगा, ठीक है। तो मिनिमम साइड का पॉलीगन होता है ट्रायंगल, राइट। तो अब यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि जब भी किसी पॉलीगन की एक साइड को किसी साइड को इंक्रीज किया जाता है तो बाहर की तरफ उस फिगर के बाहर एक एंगल बनता है जिसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आपके पास है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का, ठीक है, जो कि हम यहाँ पर यूज करेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, ठीक है, वो होता है आपके पास 360 डिग्री का। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360, राइट। ये सब एक्सटीरियर एंगल हैं, इनको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, 125 प्लस 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, राइट। 125 125 125 इसका सम हो जाएगा 360, दिस इज 250, then 250 प्लस एक्स इक्वल टू 360 इज देयर, राइट। एंड एक्स की वैल्यू हमारे पर निकल के आ जाएगी 360 माइनस 250, तो एक्स का हमारे पास वैल्यू आ गया है कितना, 110 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास एक्स का वैल्यू आ गया है फर्स्ट फिगर में, ठीक है। सेम आप फिगर नंबर बी को चेक करें, फिगर नंबर बी में हमारे पास ये जितने भी एंगल दे रखे हैं, दिस वन क्या है, एक्सटीरियर है, और यहाँ पर जो हमें फाइंड करना है एंगल ये वाला एक्स, ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है। अब एक इंटीरियर एंगल भी आपको दिया हुआ यहाँ पर लगा कर साइन 90 का, तो ये बाहर एक्सटीरियर एंगल जो है ये कितना हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल हैं। इनसाइड एंगल आपका ये वाला, एक तरफ का एंगल आपका हो गया 90 का, दूसरी तरफ का भी 90 का हो जाएगा। अब आपके पास सभी एक्सटीरियर एंगल अवेलेबल हैं, दिस वन, इन सभी को ऐड कर देंगे, तो राइट करना है फिर से वही चीज, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आपके पास मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है 360 डिग्री, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सम कर लेना है, यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं 90 से, कहीं से भी आप चूज कर सकते हैं, 90 प्लस दिस वन 70 प्लस दिस वन एक्स प्लस दिस वन 90 प्लस दिस वन 60, कितने एंगल हैं, 1 2 3 4 5 एंगल हैं, इनका सम हो जाएगा हमारे पास 360, राइट। अब आप ऐड कर लीजिए कितना कितना हो जाएगा, 90 एंड 90, ये हमारे पास हो जाता है 180, राइट, 90 90 180, 70 60, कितना हो जाएगा 130, ये दोनों ऐड करे जाएंगे तो हमारे पास 310 आ जाएगा, ठीक है। तो 310 प्लस दिस वन, ठीक है, एक्स 310 प्लस एक्स इक्वल टू 360, एक्स का वैल्यू यहाँ से हम बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं, 360
माइनस 310 और एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 50 डी। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या था, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल पॉलीगन का। ठीक है, किसी भी पॉलीगन की सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आपका 360 होता है, इससे आपका ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा करना। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टू में हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। हमें एक्सटीरियर एंगल चाहिए उस पॉलीगन का जिसकी 9 साइड हैं और 15 साइड हैं। ठीक है, चलिए आइए करते हैं इसको भी। तो क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए है, 9 साइड और 15 साइड आपको दी गई हैं। इसके लिए एक मेन कॉन्सेप्ट है, वो हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन वो होता है 360 डिग्री अपॉन एन। ठीक है, तो 360 डिग्री अपॉन एन, ये आपका क्या है, मेन फॉर्मूला है जिससे आपको क्वेश्चन करना है। एन क्या है, एन है यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टिसेस कह सकते हैं, जितनी वर्टिसेस होती हैं उतनी ही साइड होती हैं। तो नंबर ऑफ साइड या नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, 9 साइड हैं, एन की वैल्यू 9 है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन एन की जगह हम 9 राइट कर देंगे, इक्वल टू 9 फोर द 36 एंड देन दिस इज 0, वी हैव रिटन हियर दिस वन। तो आपके पास एंगल आ गया है 40 डिग्री। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल आपके पास मिल गया है 40 डिग्री का, क्लियर। अभी हमारे पास 15 साइड है, उसके लिए हम देख लेते हैं यहाँ पर सेकंड पार्ट में। एन की वैल्यू हमारे पास 15 है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन एन, फॉर्मूला वही है, यहाँ पर एन की वैल्यू 15 रख देंगे, इज इक्वल टू 360 अपॉन 15, 15 2 13, ठीक है, एंड 4 बचेगा 0 हो जाएगा, 6 बचेगा 0 हो जाएगा, 15 4 60, 24 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हमने 360 अपॉन एन फार्मूले का यूज़ किया है, एन नंबर ऑफ साइड्स हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल आपके पास आ चुका है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, इन क्वेश्चंस की आप रिपीटेशन कीजिएगा 3-4 टाइम्स, आपको बहुत ही इजी लगेंगे और आपको एकदम समझ में आ भी जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। कितनी साइड होंगी उस रेगुलर पॉलीगन में जिसके एक्सटीरियर एंगल की मेजर 24 डिग्री है। ठीक है, और ये जो 360 अपॉन एन वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ईच एक्सटीरियर एंगल दैट इज अप्लाई ऑनली रेगुलर पॉलीगन के लिए ही आपको यूज करना है। ठीक है, किसी भी अदर नॉन रेगुलर साइड के लिए जो हमारे पास पॉलीगन्स होते हैं उनके लिए हम यूज नहीं करेंगे, ओनली रेगुलर पॉलीगन्स के लिए हम इसका यूज करेंगे। रेगुलर पॉलीगन कौन से होते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स आर दोज फिगर जिनकी एंगल्स और साइड्स सब इक्वल होते हैं। जैसे आप मान लीजिए इक्विलेटर ट्रायंगल, तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल, स्क्वायर 4 साइड इक्वल, ईच एंगल 90। ठीक है, इसी तरह से रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, इनमें सभी में जितनी साइड होती हैं उतने सभी एंगल इक्वल होते हैं, तो वो रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला मैंने आपको 360 डिग्री अपॉन एन बता दिया है। इसी की हेल्प से हम क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। इसमें साइड पूछी गई है उस रेगुलर पॉलीगन की जिसका मेजर है एक्सटीरियर एंगल का 24, यानी ईच एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन है, साइड आपसे पूछी गई है। चलिए करते हैं इसको। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमारे पास साइड पूछी गई है, एन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल आपको पता है
एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन है, कितना है 24 डिग्री। ठीक है, अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन एन, राइट राइट। एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन है, उसकी जगह वही वैल्यू पुट कर दीजिए 24 डिग्री अपॉन 360 डिग्री अपॉन एन। अब आप ट्रांसपोज करेंगे एन को, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, 24 को ट्रांसपोज करके अपॉन में ले जाएंगे, लीजिए हमारे पास ट्रांसपोजिंग हो गया, एन की वैल्यू हो गई हमारे पास 360 डिग्री अपॉन 24। ठीक है, अब इसको आप करेंगे डिवाइड, 12 2 12 3 30 अपॉन 2 2 15, एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी आ गई है 15, तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड कितने हो गए, नंबर ऑफ साइड हमारे पास हो जाएंगी 15। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इंटीरियर एंगल इज 165। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 की तरह, बस डिफरेंस कहाँ है, एक्सटीरियर एंगल गिवन था 3 में और यहाँ पर इंटीरियर गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 3 की तरह ही करेंगे, थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट, जब भी कोई फिगर बनती है, ठीक है, रेगुलर बनती है, तो एक चीज़ आप देखिएगा, मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ। एक यहाँ पर मैंने ये फिगर पेंटागन बना ली है, रेगुलर सारे साइड्स इक्वल हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं, एक एक्सटीरियर एंगल बनाते हैं कहीं पर भी, ये एक्सटीरियर मान लीजिए एक्स, तो जहाँ पर भी एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो जहाँ पर बनता है वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, तो अगर इंटरनल एंगल हमारे पास अंदर मान लीजिए वाई है, तो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल कितना है, एक्स है सपोज कीजिए, तो ये वाई और एक्स एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं, तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होता है स्ट्रेट एंगल के इक्वल, तो उस चीज़ का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इस रूल को याद रखेंगे। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से सबसे पहले हम एक्सटीरियर को फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास इंटीरियर गिवन है, तो अब इस चीज़ से हमारा निकल जाएगा एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद हम वही फॉर्म लगाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने लगाया था। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 180, इंटीरियर की वैल्यू रख दी मैंने, माइनस कर दिया डायरेक्टली यहाँ पर 165, दोनों का सम 180 था, इंटीरियर को माइनस कर देंगे तो एक्सटीरियर हमारे पास निकल जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 10 - 5 - 5 - 7 - 6 - 1 - 1 - 0 - 15 आ गया हमारे पास 15 डिग्री एक्सटीरियर एंगल आ गया। अब हमारे पास ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था 360 अपॉन एन, एक्सटीरियर एंगल गिवन है, निकाल चुके हम 15, 360 अपॉन एन, एन को 15 को इंटरचेंज करेंगे तो ट्रांसपोज करने पर क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 360 अपॉन 15, एन की जगह ऊपर आ गई है लेफ्ट साइड में, ठीक है, 15 नीचे पहुंच गया अपॉन में, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 15 2 - 34 - 6 and 15 4 - 16 - 24, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 24, यानी उस रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड्स होंगी 24 साइड्स होंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। ए में है पूछा गया है कि ये पॉसिबल है किसी रेगुलर पॉलीगन के लिए कि उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है बी पार्ट में, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है किसी रेगुलर पॉलीगन का, हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता, तो क्यों नहीं हो सकता, वाई। ठीक है, हाँ ये करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ये है कि हमें रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल 22 दिखाना है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एक्चुअली क्या है,
कि जब भी आप क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन होगा, तो आप n इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, है ना, ये फॉर्मूला मैं आपको बताया था, 360 एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे, 360 अपॉन n करेंगे, तो इंटरचेंज करेंगे, तो n की वैल्यू आ जाएगी 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, करेक्ट, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ए पार्ट के लिए हमें दिखाना है कि हमारे पास क्या ये 22 एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। अगर हमारी n यानी साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, आ जाती हैं फुल कंप्लीट नंबर, होल नंबर आ जाता है, ठीक है, 1-3 से ऊपर के हमारे पॉलीगन्स होते हैं, तो अगर हमारी कोई ऐसी क्वांटिटी आती है जो होल नंबर्स है, ठीक है, तो हमारा पॉसिबल हो सकता है। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं n की वैल्यू निकालूँ यहाँ से 360 अपॉन 22, तो क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि 22 डिवाइजर नहीं है 360 का, ठीक है, 22 डिवाइजर नहीं है 360 का, 22 से हम कम्प्लीटली 360 को डिवाइड नहीं कर सकते, n की वैल्यू पूरी नहीं आएगी, होल नंबर में नहीं आएगा। तो जब n की वैल्यू नहीं आएगी पूरी हमारे पास, तो हम पॉलीगन बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है कि 22 हमारा एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता है। इसको कैसे राइट करेंगे, तो इसको हम राइट करेंगे, नो 22 डिग्री कैन नॉट बी एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, ठीक है, एज 22 इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ 360, ठीक है, क्योंकि ये 360 का डिवाइजर नहीं, ठीक है। अभी बी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया, बी पार्ट में कह रहा था कैन इट बी इंटीरियर एंगल, चाहिए इंटीरियर हो सकता है, तो अगर आप इंटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लें, इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा आपका, 180 माइनस 22 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 2 5, 158, एंड 158 कभी भी 360 का डिवाइजर नहीं होता। इंटीरियर एंगल आपने निकाल लिया, ठीक है, आपको दिया हुआ था यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखिए, अगर ये हम 22 को मान लेते हैं कि इंटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 22 158 आ गया हमारे पास एक्सटीरियर, ठीक है, और 360 अपॉन एन लगाएंगे, तो हमारे पास एन की वैल्यू निकालने के लिए 158 जो है डिवाइजर नहीं बनेगा। सेम उसी तरह से n की वैल्यू हमारे पास 360 अपॉन 158 जब एक्सटीरियर एंगल से हम डिवाइड करेंगे 360 को, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, n की वैल्यू नहीं आएगी। सो हम लिख देंगे 22 कैन नॉट बी इंटीरियर एंगल, क्यों नहीं हो सकता, एज 180 माइनस 22 यानी कि 158 इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ 360, ठीक है, क्योंकि अगर ये 22 इंटीरियर हो जाएगा तो एक्सटीरियर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 22 158, जो कि डिवाइजर नहीं है 360 का, इसलिए ना तो ये इंटीरियर एंगल हो सकता है ना एक्सटीरियर एंगल हो सकता है, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमारे पास है ए पार्ट, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन और वाई। हमें बताना है कि किसी रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है और क्यों, वाई। और सेकेंड में पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, किसी रेगुलर पॉलीगन के लिए मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है, कितना मिनिमम इंटीरियर पॉसिबल है, वो आपको बताना है, ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, जबकि आपको मिनिमम इंटीरियर एंगल चाहिए किसी रेगुलर पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन के लिए, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जितनी हमारी साइड्स मिनिमम होंगी उतना ही हमारा एंगल मिनिमम बनेगा, ठीक है, इंटीरियर में। तो सबसे कम साइड हमारी किस में होती हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल होता है हमारे पास 60, ठीक है, मिनिमम साइड का ये रेगुलर पॉलीगन होता है, ठीक है,
रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन विद मिनिमम साइड, विद मिनिमम साइड, वो क्या होता है हमारे पास? इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है? 60 डिग्री। तो रेगुलर पॉलीगन जो विद मिनिमम साइड होती है उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, उसका हर एक एंगल 60 का होता है, तो इंटीरियर एंगल हमारे पास मिनिमम आ जाएगा। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री। ठीक है, करेक्ट। एंड ये पूछ रहा है वाई, क्यों? क्योंकि मिनिमम साइड का जो पॉलीगन है उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, इसलिए। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज द मिनिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। तो इसी अगर हम बात करें, जब मिनिमम हमारे पास इंटीरियर आ गया है 60, तो मैक्सिमम हो जाएगा बाहर वाला। ठीक है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल जब भी आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आता है? 180। ठीक है, तो हमारे पास इंटीरियर 60 है प्लस एक्सटीरियर एंगल आप निकालना चाह रहे हैं 180, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल निकल के आएगा 180 माइनस 60 यानी 120। तो मिनिमम साइड का हमारे पास रेगुलर पॉलीगन बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका इंटीरियर एंगल बनेगा हमारा 60 का और एक्सटीरियर एंगल बनेगा 120 का। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को आप 3-4 टाइम जरूर देखिए, जिससे हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिएगा, या व्हाट्सएप पर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो हमारी आज तक इस क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुकी है। अगली वीडियो में इससे आगे की एक्सरसाइज हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही।